हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। हम देख रहे हैं जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए, सीईटी, नीट, सेट, नेट, गेट, पेट में ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते। समझो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे तो क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होगा, पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनेशन भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन में से, तो आपको इजीली समझ में आए। अभी यहाँ पे हम लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए अगर अब तक आपने ये डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अस बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन। आपको बेल आइकॉन दबाना है और हमें सब्सक्राइब करना है, तो आगे भी आपको ये सीएसआर नेट के क्वेश्चन हो या सीईटी या नीट के क्वेश्चन, वो इजीली आपको ट्रिक मिल जाएगी इजीली सॉल्व करने के। चलो आज हमने क्वेश्चन लिया है सीएसआर नेट का, जो कि जून 2019 की क्वेश्चन पेपर में इसको पूछा गया था, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। अगर आपको मेंडेल के कुछ लॉज भी पता होंगे, कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी पता होगा, तो भी एक दो ऑप्शन सही से इसमें से निकल जाते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं अच्छा सा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 2 yellow mice with straight hair were crossed and following progeny were obtained। यहाँ पे क्या किया गया है, क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लिया तो दो माइस है, माइस की इन्होंने क्या किया है, कलर दिया है, येलो कलर दिया है, कलर ओके येलो, यहाँ पे विथ येलो कलर, 2 yellow mice, कलर तो आ गया येलो माइस, स्ट्रेट हेयर ये आ गया टाइप ऑफ हेयर। तो यहां से ही आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया है, अभी यहां से ही आपको दो क्लूज मिल जाते हैं, दो लॉजिक्स मिल जाते हैं, या तो इसमें दो लॉजिक है, ये दो कैरेक्टर यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किए हैं। कैरेक्टर कौन सा है, कलर का पहला कैरेक्टर है, दूसरा टाइप ऑफ हेयर का कैरेक्टर है, तो दो कैरेक्टर यहाँ पे कंसीडर किए हैं, दोनों भी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। पहले लाइन में ही क्वेश्चन का आधा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलो दो कैरेक्टर और दोनों इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। अभी आगे क्या है, वेयर क्रॉस एंड फॉलोइंग प्रजनी वेयर ऑप्टेन। अभी ये इनको अगर क्रॉस किया तो नीचे कुछ प्रजनी मिल जाते हैं, प्रजनी भी हम देख लेते हैं। 1/2 येलो स्ट्रेट हेयर, येलो इज अ कलर, स्ट्रेट हेयर इज अ टाइप ऑफ हेयर। दूसरा 1/6 येलो फ्यूजी हेयर, ओके फजी हेयर भी बोल सकते, तो हमारे पास स्ट्रेट हेयर है एंड फजी हेयर है। चलो हमारे पास दो आ गए यहाँ पे एक कैरेक्टर, ओके ये कैरेक्टर अगर टाइप ऑफ हेयर लिखा तो उसमें दो ट्रेट हमें यहाँ पे मिल गए। तीसरे 1/4 ग्रे स्ट्रेट हेयर, अभी चलो इसमें भी कलर में भी दो ट्रेट मिल गए, कलर इज अ कैरेक्टर, येलो एंड ग्रे इज 2 ट्रेट। चौथा 1/12 ग्रे फ्यूजी हेयर, अच्छे से पढ़ लो, 1/12 है यहाँ पे ग्रे फ्यूजी हेयर, ये भी यहाँ पे कलर और शेप का या टाइप ऑफ हेयर का कैरेक्टर यहाँ पे दिया है। अभी ये क्वेश्चन तो होगा इतना इन्होंने दिया है, क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जेनेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर रिजल्ट। अगर रिजल्ट को हमें जेनेटिक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, एंड असाइन जीनोटाइप्स टू पेरेंट एंड प्रजनी, एंड प्रजनी और जो पेरेंट्स है उनको जीनोटाइप अगर हमें देने हैं, असाइन करने हैं ऑफ दिस क्रॉस, जो क्रॉस किया है उसमें से, फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज गिवन, नीचे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो वो स्टेटमेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ए देखो, 6:2:3:1 रेशियो ऑब्टेन हियर इंडिकेट्स रिसेसिव इपिस्टेसिस। अरे रिसेसिव इपिस्टेसिस यहाँ पे 6:2:2:3:1 कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं है। चलो हमारा पहला तो यार यहाँ पे तो हमें ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें तो कहीं पे भी रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है। रेशियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कैसे मिलाना है या कैसे हम रेशियो को ले सकते हैं या कैसे हमें मिल सकता है, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं। चलो दूसरा ऑप्शन क्या है, दिस क्रॉस कंसर्न्स 2 independent कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी कलर एंड टाइप ऑफ हेयर। क्वेश्चन के पहले लाइन में ही ये दिया हुआ है, दूसरा जो ऑप्शन दिया है क्या दिया है, दिस क्रॉस कंसर्न 2 independent कैरेक्टरिस्टिक्स, आ गई 2 independent कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कलर पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप ऑफ हेयर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए, बॉडी कलर एंड टाइप ऑफ हेयर, कलर और एंड टाइप ऑफ हेयर।
यहाँ से ये हमारा ऑप्शन सही साबित हो गया है। तो चलो हमारा ये ऑप्शन अच्छा आया है, या हम इसको बोलते हैं ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने ये सॉल्व किया है। चलो एक ऑप्शन तो हमें मिल रहा है। तीसरा क्या है, द डेविएशन ऑफ डायहाइब्रिड रेशियो। अभी मेंडेल का जो डायहाइब्रिड रेशियो है वो उसका रेशियो क्या था, 9H2 3H2 3H2 1। इसमें दो कैरेक्टर कंसीडर किए गए थे। क्या कैरेक्टर थे, येलो कलर मींस कलर एंड शेप ऑफ द दैट पाइसम सैटायम। ओके, पाइसम सैटायम के बारे में था, कलर एंड शेप दो कैरेक्टर वहां पे कंसीडर किए थे। उनका रेशियो भी हमने देखा था 9H2 3H2 3H2 1 आता है। यहाँ पे क्या दिया है, द डेविएशन ऑफ डायहाइब्रिड रेशियो फ्रॉम 9H2 3H2 3H2 1 टू 6H2 2H2 3H2 1। अभी 6H2 2H2 3H2 1 मिल ही नहीं रहा है तो ये कैसे आएगा, ये भी आपको हम लॉजिकली बताएंगे। बीइंग ए रिसेसिव लीथल, एक चीज यहाँ से आपको समझनी है, लीथल एलील। ओके, लीथलिटी हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा है, लीथल एलील क्या होता है। अभी चौथा ऑप्शन क्या है, द लीथल एलील इज एसोसिएट विथ स्ट्रेट हेयर। जो लीथल एलील है वो स्ट्रेट हेयर से एसोसिएट करता है, इसका मतलब एक कैरेक्टर से वो एसोसिएट करता है। चलो अभी यहां से एक ऑप्शन तो हमारा आ गया बराबर, चलो एक ऑप्शन मिल गया तो चार कॉम्बिनेशन में दो ऑप्शन तो इजीली निकल जाते हैं। कैसे, बी एंड सी, बी तो बराबर है तो ये ऑप्शन आ गया, ए ओनली ये पता नहीं, बी तो बराबर तो ये ऑप्शन आया ही नहीं है। दूसरा बी सी डी ये बराबर ऑप्शन हो सकता है, ए सी डी बी नहीं है तो दो ऑप्शन तो यहां से निकल गए। अभी दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन बी सी एंड डी। चलो अभी यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना आंसर। पहले तो हमें एक ऑप्शन मिल गया तो हमारे दो ऑप्शंस में से जो दो ऑप्शन है वो निकल गए, दो ही रह गए, एक का अगर हमें आंसर मिल गया तो ये अच्छे से देख लो। अभी चलो आगे, अभी यहाँ पे इन्होंने बोला 6H2 2H2 3H2 1 रेशियो आता है, कैसे आता है, आता है यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे देखो 1/2 येलो स्ट्रेट हेयर यहाँ पे दिखा है, येलो स्ट्रेट हेयर। दूसरा क्या दिया है, 1/6 येलो फ्यूजी हेयर या फजी हेयर भी बोल सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरा 1/4 ग्रे स्ट्रेट हेयर आपको यहाँ पे दिया है, ग्रे स्ट्रेट हेयर। और यहाँ पे 1/12 क्या दिया है, ग्रे फजी हेयर। चलो यहां से आंसर स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स की आइडिया होनी चाहिए। अगर ये हमने चारों ऑप्शंस देखे, यहाँ पे चारों प्रजनन देखी तो इनका जो अपर ओके बेस जो है वो सिमिलर नहीं है, तो चलो हम इसका बेस सिमिलर कर लेते हैं। कैसे करना है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको पकड़ के बाकी सब लोगों का बेस जो आपको है वो सिमिलर करना है। अभी यहाँ पे 12 कब आएंगे, ओके यहाँ पे 12 है तो सबका बेस 12 कर दो, 12 कब आएंगे, 6 बराबर 6 × 2 = 12, 6/12 आ गया हमारे पास। दूसरा क्या है, 2 × 6 = 12 बराबर, आपको समझ में आ गया होगा यहां से, 6 1/2 × अगर 12 आपको बेसमेंट करना है तो आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ गया 6/12। जनरल मैथमेटिक्स है, इजी मैथमेटिक्स है। अभी 1/6 × 2 ये आ गया आपका 2/12 आ गया। दूसरा तीसरा क्या है, 3 1/4 × 3 ये आ गया आपका 3/12। चौथा क्या है, 12 तो 12 ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, आप तो यहां से देख सकते हैं 12 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1/12 × 1 = 1/12। अब यहां से आपको एक पॉइंट समझ में आएगा, सबका बेसमेंट सेम है, बेस सेम है तो आपका रेशियो यहां से निकल के आता है 6H2 2H2 3H2 1। तो आपको यहां से पॉइंट समझ में आया होगा 6H2 2H2 3H2 1 रेशियो कैसे आता है। चलो आपका तो आधा आंसर, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अभी 6H2 2H2 3H2 1 यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, 6H2 2H2 3H2 1 रेशियो ऑप्टेन हियर इंडिकेट्स रिसेसिव एपिस्टेसिस।
चलो थोड़ा सा आपको रिसेसिव इपिस्टेसिस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो रिसेसिव इपिस्टेसिस में ऐसा रेशियो है क्या? नहीं, अब तक हमने देखा तो इसमें ऐसा रेशियो नहीं है, कुछ तो 9:3:4 ऐसा कुछ तो रेशियो होता, तो ऐसा रेशियो जनरली रिसेसिव इपिस्टेसिस में आता ही नहीं। लेकिन चलो हमें इसके बारे में भी नहीं पता, रिसेसिव इपिस्टेसिस के बारे में पता ही नहीं उसका रेशियो क्या होता है, चलो इसको एक बार हम ध्यान में रखते हैं। चलो आता ही नहीं, लेकिन ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे हमने रखा है। तो अभी आपके ऑप्शन में ओके ए तो किधर लिखा ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो यहाँ से सीधा गलत हो गया। चलो ए ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन अब तक बराबर है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे बेसमेंट सेम कर दिए है, बेस कैसे सेम किए है, कैसे जनरल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करके। जनरल मैथमेटिक्स से पांचवी कक्षा वाला, फिफ्थ स्टैंडर्ड वाला मैथमेटिक्स यहाँ से। अभी तीसरा क्या है, द डेविएशन ऑफ डायहेड्रल रेशियो फ्रॉम 9:3:3:1 टू 6:2:2:3:1 मे बी ड्यू टू वन ऑफ जीन बीइंग ए रिसेसिव लीथर। ये तीसरा ऑप्शन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। चलो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है, दो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स है। अपने यहाँ पे अभी रेशियो कैसे आ गया आपका, इसका ये चारों प्रजनी का रेशियो क्या आ गया था आपका, 6:2:2:3:1 ओके okay, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी 6 यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर, दूसरा 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, जो कि हमने बेस सेम किया है। इसलिए अब यहाँ से आपको दो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में सोचना है। पहला कैरेक्टर हम सोच रहे कलर के बारे में। अभी कलर के बारे में क्या है, दो टाइप के कलर है, येलो है और दूसरा कौन सा है, ग्रे कलर यहाँ से हमें मिल रहा है। चलो अभी येलो के कितने मेंबर्स है, येलो 6+2 अभी 2, 6+2 8 येलो हमारे पास हो गए। ग्रे के कितने मेंबर है, 3 और 1 4। अभी चलो यहां से रेशियो क्या निकलता है, रेशियो निकाल के देखो 2:1, यहाँ पे रेशियो ऐसे निकला 8:4:4:1:2:2:1 ये आ गया आपका रेशियो सिंपल। चलो अभी हमारा तो एक कैरेक्टर के बारे में हो गया, दूसरा कैरेक्टर क्या है हमारा, टाइप ऑफ हेयर। अभी टाइप ऑफ हेयर में क्या है, आप यहाँ से आपको टाइप ऑफ हेयर निकालना है। आपको ये पहले अच्छे से समझ लो, 6:2:3:1 कहाँ से आया है, इसके ये है इसलिए हम ये एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे। अभी दूसरा क्या है, स्ट्रेट हेयर एंड फ्यूजी हेयर। चलो स्ट्रेट हेयर कितने है, स्ट्रेट, और दूसरा क्या है हमारे पास, स्ट्रेट इंटू फ्यूजी ओके तो स्ट्रेट फ्यूजी का रेशियो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। स्ट्रेट कितने देखो, 6 यहाँ पे 6 आ गए स्ट्रेट, दूसरा स्ट्रेट 3 6+3। अभी यहाँ पे फ्यूजी कितने हैं, फ्यूजी कितने हैं, 2 आ गया और फ्यूजी कितने हैं, 1 आ गया। चलो 2+1 9:3 तो रेशियो आता है 3:1। जनरल मैथमेटिक्स से यहाँ पे रेशियो आ गया 3:1। अभी हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, द डेविएशन ऑफ द हाइब्रिड रेशियो फ्रॉम 9:3:3:1 टू 6:2:2:3:1 मे बी ड्यू टू वन ऑफ जीन बीइंग ए रिसेसिव लीथल, लीथल एल का रेशियो है इसलिए बराबर। अब ये है या नहीं ये देखेंगे, अगर दोनों का रेशियो 3:1 आता है तो ये हमारा आंसर आ गया 9:3:3:1। लेकिन यहाँ पे 3:1 है, यहाँ पे 2:1 है, 2:1 अगर आपने पिछला कुछ वीडियो हमारे देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो रेशियो है ये लीथल जीन का रेशियो आता है। इसमें हमने एग्जांपल देखा था सिकल सेल एनीमिया, जिसमें रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव जो होता है वो लीथल होता है। तो बीइंग ए रिसेसिव लीथल, रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव है और वो लीथल है, तो यहाँ पे रेशियो हमारा आ गया 3:1:2:1। अगर आप कर रहे हो 3:1:2:1 तो आपको 3:6:3:2:1 ये आ गया आपके रेशियो। तो आपको ये रेशियो यहाँ से मिलता है, आपको ये ध्यान में रखना। चलो अभी यहाँ पे तो रिसेसिव लीथल, ये रेशियो होगा रिसेसिव लीथल का, जो हमने पहले हमारे वीडियो में देखा है सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल था, जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव एलील था वो लीथलिटी शो करता था, इसलिए रेशियो आता था 2:1। अभी
यहाँ पे फाइनल क्या है, तो ये ऑप्शन हमारा सही आ गया, बी और सी तो यहाँ से निकल गए, आपका आंसर यहाँ से ही आ गया। लेकिन डी का क्या, डी का क्या करेंगे, अभी डी के बारे में सोचेंगे। द लीथल एलील इज एसोसिएटेड विथ रेड हेयर। चलो अभी लिथेलिटी का रेशियो किस में आ गया, कौन से कैरेक्टर में आ गया, ये तो कलर के कैरेक्टर में आ गया। और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, द लिथल एलील इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेट हेयर। स्ट्रेट हेयर का रेशियो क्या आता है, 3:1, जो जनरल मेंडेल का मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का रेशियो है। तो ये लिथेलिटी किससे रिलेटेड है, ये कलर से रिलेटेड है। यहाँ पे किससे रिलेटेड दिखाई, टाइप ऑफ हेयर से, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग जाता है। इसलिए बी सी एंड डी ऑल्सो रॉन्ग, पहले तो राइट था अभी रॉन्ग हो गया, तो फाइनल ऑप्शन आ गया बी एंड सी। ओके, तो यहां से आपको ये समझना है, यहां से आंसर हमने आपको सॉल्व करके दिया है। क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट है, आंसर सॉल्व करने में बहुत इजी है। थोड़ा सा मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए और लिथल जिनका रेशियो के बारे में पता होना चाहिए, और इसके आपको बेस सिमिलर करने आने चाहिए मैथमेटिक्स से, जो 5th स्टैंडर्ड के है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज एग्जाम्पल। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको ये क्वेश्चन में कुछ और लॉजिक चाहिए, या आपको लग रहा है इससे कुछ लॉजिकली रॉन्ग हो रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दीजिए। थैंक यू।